हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का झारखंड फाइटर्स बाय SK7 यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। इस ग्रुप का PDF इस ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप पर डेली कुरमाली क्विज भी लिया जाता है। तो आप इस ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाइए और साथ ही यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पर भी डेली कुरमाली क्विज लिया जाता है, तो आप उसे ज़रूर अटेंड करिए। तो आपके JSSC CGL के न्यू सिलेबस में जो है डॉक्टर नंद किशोर सिंह यानी कि डॉक्टर NK सिंह के बारे में दिया गया है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो आज हम लोग डॉक्टर नंद किशोर सिंह यानी कि डॉक्टर NK सिंह के जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर नंद किशोर सिंह का जन्म गांव कहाँ है, यानी कि डॉक्टर नंद किशोर सिंह यानी कि डॉक्टर NK सिंह जी का जन्म कौन से गांव में हुआ। ऑप्शन ए सेताहा का, ऑप्शन बी तेतीर हिटी, ऑप्शन सी श्याम राय डी या ऑप्शन डी दूध कुंडी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्याम राय डी, यानी कि डॉक्टर NK सिंह जी का जन्म जो है श्याम राय डी गांव में हुआ, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर नंद किशोर सिंह का गांव कौन जिला है, यानी कि डॉक्टर नंद किशोर जी का गांव कौन से जिले के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी पश्चिम सिंहभूम, ऑप्शन सी धनबाद या ऑप्शन डी पुरुलिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम सिंहभूम, यानी कि डॉक्टर नंद किशोर सिंह जी का गांव जो है पश्चिम सिंहभूम के अंतर्गत आता है। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर नंद किशोर सिंह का जन्म कब हेल आहे, यानी कि डॉक्टर नंद किशोर सिंह जी का जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए 5/7/1931, ऑप्शन बी 8/11/1935, ऑप्शन सी 2/6/1937 या ऑप्शन डी 9/1/1938। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5/7/1931, यानी कि डॉक्टर नंद किशोर सिंह जी का जन्म जो है 5/7/1931 ईस्वी में हुआ, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर नंद किशोर सिंह कर बापे किना नाम रहे, यानी कि डॉक्टर नंद किशोर सिंह जी के पिताजी का नाम क्या है। ऑप्शन ए सृष्टिधर सिंह, ऑप्शन बी गदाधर सिंह, ऑप्शन सी हलाधर सिंह या ऑप्शन डी गंगाधर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गंगाधर सिंह, यानी कि डॉक्टर नंद किशोर सिंह जी के पिताजी का नाम गंगाधर सिंह है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर नंद किशोर सिंह कर मायक नाम कीना रहे, यानी कि डॉक्टर नंद किशोर सिंह जी के माताजी का नाम क्या है। ऑप्शन ए प्रमिला सिंह, ऑप्शन बी रोपनी सिंह, ऑप्शन सी पुष्पा सिंह या ऑप्शन डी सुनीता सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुष्पा सिंह, यानी कि डॉक्टर नंद किशोर सिंह जी के माता जी का नाम पुष्पा सिंह है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि नंद किशोर सिंह जी के पिताजी का नाम गंगाधर सिंह और माता जी का नाम पुष्पा सिंह है। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर नंद किशोर सिंह कौन विश्वविद्यालय ले MA पास करल आहे, यानी कि डॉक्टर नंद किशोर सिंह जी ने कौन से विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा पास की है। ऑप्शन ए रांची विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी विनोबा भावे विद्यालय हजारीबाग, ऑप्शन सी विश्वविद्यालय शांति निकेतन या ऑप्शन डी मगध विश्वविद्यालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डॉक्टर नंद किशोर सिंह जी जो हैं विश्वविद्यालय शांति निकेतन से जो है MA की परीक्षा पास की है। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नंद किशोर सिंह कीना विषय माहने MA पास कर रहे, यानी कि नंद किशोर सिंह जी जो हैं कौन से विषय से MA की परीक्षा पास किए। ऑप्शन ए इतिहास, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी अंग्रेजी या ऑप्शन डी भूगोल।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदी। यानी कि डॉक्टर नंदकिशोर सिंह जी जो हैं हिंदी विषय में एमए की परीक्षा पास किए हैं। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर नंदकिशोर सिंह किना विषय माहने पीएचडी कर रहा है, यानी कि डॉक्टर नंदकिशोर सिंह जी जो हैं कौन से विषय में पीएचडी किए। ऑप्शन ए भूगोल, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी इतिहास या ऑप्शन डी कुर्माली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुर्माली। यानी कि डॉक्टर नंदकिशोर सिंह जी जो हैं कुर्माली भाषा में पीएचडी किए हैं। तो हम लोगों ने अब तक क्या सीखा कि डॉक्टर नंदकिशोर सिंह जी जो हैं एमए हिंदी में पास किए हैं, लेकिन उन्होंने जो है पीएचडी कुर्माली भाषा में किए हैं। इसे आप ध्यान में रखिएगा। डॉक्टर नंदकिशोर सिंह कौन पोछरे पीएचडी करल आहे, यानी कि डॉक्टर नंदकिशोर सिंह कौन से वर्ष में पीएचडी प्राप्त किए। ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1964, ऑप्शन सी 1968 या ऑप्शन डी 1972। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1962। यानी कि डॉक्टर नंदकिशोर सिंह जो है 1962 ईस्वी में पीएचडी किए। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर नंदकिशोर सिंह कर पीएचडी कर पोथीटा कीना नाम रहे, यानी कि डॉक्टर नंदकिशोर सिंह जी के पीएचडी में किताब का क्या नाम है। ऑप्शन ए कुर्माली लोक साहित्य विश्लेषणात्मक अध्ययन, ऑप्शन बी कुर्माली बोली एक भाषा तात्विक अध्ययन, ऑप्शन सी कुर्माली लोकगीत एक समाज शास्त्रीय अध्ययन या ऑप्शन डी कुर्माली के बांधना गीत एक सांस्कृतिक अध्ययन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुर्माली बोली एक भाषा तात्विक अध्ययन। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर नंदकिशोर सिंह 1957 से 1958 ईस्वी माहने लिखल छोटा नागपुर कुर्माली गीतों का अध्ययन पथी माहने कतिक गीतकर संग्रह आहे, यानी कि डॉक्टर नंदकिशोर सिंह 1957-58 ईस्वी में लिखा गया जो पुस्तक था छोटा नागपुर कुर्माली गीतों का अध्ययन में कितने गीतों का संग्रह किए। ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 250 या ऑप्शन डी 300। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 300। यानी कि डॉक्टर नंदकिशोर सिंह 1957-58 में लिखे गए पुस्तक छोटा नागपुर कुर्माली गीतों का अध्ययन पुस्तक में जो है 300 गीतों का संग्रह किए। इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर नंदकिशोर 1958 ईस्वी ले 1972 ईस्वी तोड़ी कौन विश्वविद्यालय कर प्राध्यापक रहे, यानी कि डॉक्टर नंदकिशोर सिंह 1958 ईस्वी ले 1972 ईस्वी तक कौन से विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। ऑप्शन ए शांति निकेतन विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी रांची विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी मगध विश्वविद्यालय या ऑप्शन डी विनोबा भावे विश्वविद्यालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शांति निकेतन विश्वविद्यालय। यानी कि डॉक्टर नंदकिशोर सिंह जी जो हैं 1958 ईस्वी से 1972 ईस्वी तक शांति निकेतन विश्व भारती विद्यालय में जो है प्राध्यापक रहे। इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुर्माली माने सोबले पहिल कोने पीएचडी करल आहे, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुर्माली में सबसे पहले किन्होंने पीएचडी किए। ऑप्शन ए डॉक्टर HN सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर विनय मुखर्जी, ऑप्शन सी डॉक्टर NK सिंह या ऑप्शन डी डॉक्टर संतोष जैन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर NK सिंह। यानी कि कुर्माली में सबसे पहले पीएचडी जो है डॉक्टर NK सिंह जी ने किया। इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर नंदकिशोर सिंह कर लिखल पथे चालक लेहा नमस्कार पथीटा कौन बछरे प्रकाशित है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर नंदकिशोर सिंह के द्वारा लिखा गया पथी पथे चालक लेहा नमस्कार कौन से वर्ष में प्रकाशित हुआ। ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1977, ऑप्शन सी 1979 या ऑप्शन डी 1982। तो
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1979, यानी कि डॉक्टर नंद किशोर सिंह के द्वारा लिखा गया पथी पोथे चालक लिहा नमस्कार जो है 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर नंद किशोर सिंह कर लिखल कुरमाली भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन पोथीटा कौन बोछरे प्रकाशित हेल आहे, यानी कि डॉक्टर नंद किशोर सिंह के द्वारा लिखा गया पोथी कुरमाली भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन कौन से वर्ष में प्रकाशित हुआ। ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2007 या ऑप्शन डी 2008। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2008, यानी कि डॉक्टर नंद किशोर सिंह के द्वारा लिखा गया पोथी कुरमाली भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन जो है 2008 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसे आप ध्यान में रखिएगा। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि कुरमाली भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन नामक पोथी किन्होंने लिखा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उस टाइम डॉक्टर नंद किशोर सिंह, यानी कि डॉक्टर NK सिंह। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हम लोग के आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। पोथे चालक लिहा नमस्कार पोथीटा के कने लिखल आए, यानी कि पोथे चालक लिहा नमस्कार जो पुस्तक है किन्होंने लिखा। ऑप्शन ए डॉक्टर NK सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर HN सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर शशिभूषण महतो या ऑप्शन डी डॉक्टर गीता कुमारी सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर NK सिंह, यानी कि पथे चालक लिहा नमस्कार जो पुस्तक है ये डॉक्टर NK सिंह के द्वारा लिखा गया। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर नंद किशोर सिंह, यानी कि डॉक्टर NK सिंह। डॉक्टर NK सिंह से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते थे, उन्होंने ये सब हम लोगों ने आज के इस सेशन में किया। डॉक्टर NK सिंह से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। तो आप सभी कमेंट करके बताइए आज के सेशन आपको कैसा लगा, और अगर आपको कोई भी हमसे क्वेरी हो मैं कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब सच कहूँ तो आपके जो रिस्पॉन्स है वही हमें मोटिवेट करते हैं कि आपके लिए न्यू सेशन लाना चाहिए। तो आज के सेशन हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। तो मिलते हैं कल एक नए कुरमाली सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और अपने माँ बाप का हमेशा आदर करें। आपको ही अपने घर का परिस्थिति जो है वो सुधारना है, यही ध्यान में रखते हुए अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखें और मन लगाकर पढ़ें। आज का सेशन देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।